हाय गाइस, वेलकम टू अंडमान। मेरा नाम तन्मय सूत्रधार है और मैं बहुत देर से सोच रहा था कि अंडमान के बारे में कुछ वीडियो बनाते हैं। तो चलिए गाइस, आज अंडमान के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया हम, जो हमारा फ्रारगन से माउंटेन एट तक का सफ़र है। ठीक है, बहुत मज़ा आया सफ़र के बीच में। ठीक है, बहुत कुछ हमारे साथ हुआ भी है। ठीक है, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग देखते रहिए हमारा आगे का वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, कहीं जाइएगा मत, फुल वीडियो ज़रूर देख के जाइए। और अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, कमेंट्स करें। अगर आपको अंडमान के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, हम लोग ज़रूर बनाएंगे वो वीडियो। ठीक है, अंडमान के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, थैंक यू गाइस, देखते रहिए हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो हमारा जो टारगेट है वो जो है फ्रारगन से लेकर के माउंट एरियट, माउंट एरियट में जो काला पत्थर है वहाँ पे हम जो है ट्रैकिंग करते हुए भी जाएंगे। तो अभी जो हमारा टारगेट वो स्टार्ट होता है वो फ्रारगन से लेकर के माउंट एरियट तक। तो चलिए दोस्तों, आप चलिए दोस्तों निकलते हैं माउंट एरियट के लिए। तो माउंट एरियट की जो दूरी है लगभग बम्बू फ्लैट से 5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो अभी रास्ते में अभी हम जाते जाते जो है काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे। आप सभी को पता होगा, आपने जो है 20 रुपीज़ की नोट देगा, 20 रुपीज़ की जो नोट है उस पर जो इमेज दिया गया है वो यहीं से खींचा गया फ़ोटो है, जो कि नॉर्थ बे आइलैंड का फ़ोटो है। जब स्कूटी में हेलमेट रखा था ना तो चाबी निकालना भूल गया था, उसमें पीछे आधा
रास्ते से रिटर्न हम लोग दोनों को आना पड़ा, चाबी लिया लेके अभी दोबारा जाके ट्रैकिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालत खराब हुआ। रात हो गया, हालत बहुत खराब है, बहुत हालत खराब है। हम देखते ही होंगे पसीना से नहा लिए एकदम, तो वापस जाते जाते बहुत अंधेरा भी हो गया है, तो आप लोगों को रास्ता उतना अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो बाकी यहाँ से निकल कर कितना है फिर बात करते हैं आपसे। बाकी के सामने चले जाएगा भाई, नहीं अरे 5 मिनट भागो नहीं। काला पत्थर से माउंट एवरेस्ट पहुंच गया। इतना बहुत लंबी सफर था, गंदा सफर लाइफ पे कभी नहीं किया, बहुत गंदा सफर था। आप मानेगा नहीं, जाने टाइम 1 घंटा लगा माउंट एवरेस्ट से काला पत्थर बीच, सॉरी काला पत्थर 30 मिनट में रिटर्न पहुंचा। हालत बहुत खराब है, आपको बोल भी नहीं सकता। बाइक की हालत देखो, पसीना से लथपथ, हालत एकदम खराब। मेरा भाई कुछ बोलना चाहता है, बहुत हालत खराब है, इतना हालत खराब है। पसीना आप लोग देखते ही होंगे कैसा है, पसीना से पूरा नहा लिया है। अब यहाँ से जाना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, लेकिन टूर जर्नी काफ़ी अच्छा था।